हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बब्बर। इस वीडियो में बात करने वाले एक स्टोरी के बारे में ऑफ माय एक्सपीरियंस विद क्रिप्टो करेंसीज, कैसे मैंने 350% प्रॉफिट निकाला और बहुत सारा लॉस भी निकाला। तो प्रॉफिट लॉस की कहानी आपके शेयर करने वाले हैं, थोड़ा आपको अवेयरनेस फैलाने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्या सच्चाई है, हमने क्या क्या फेस किया है। तो कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो हमारे माता पिता भी देख सकते हैं, तो उनको पता नहीं है मेरा लॉस हुआ पड़ा है तो पिटाई हो सकती है, तो लाइक और कमेंट करके जाने हिसाब से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2021 को, जिसमें एक वीडियो बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, जहाँ पर मैं FD के बारे में बताता हूँ, RD के बारे में बताता हूँ, स्टॉक मार्केट, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल स्कीम हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसमें एक चीज़ आती है, एक डोमेन आता है क्रिप्टो करेंसी, जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार इसके बारे में मुझे कुछ खास ज्ञान है नहीं, तो हम क्या करते हैं कि ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद डिस्कस करो, खुद रिसर्च करो और देखो यार आपको इसमें जाना है कि नहीं जाना है, रिसर्च करके समझो इस चीज़ को। बहुत वॉलेटाइल चीज़ है, बहुत लॉस भी हो सकता है, बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको इसमें एंटर करना है कि नहीं करना है। वहाँ क्रिप्टो करेंसी जिंदगी में एंटर करती है। थोड़े दिनों बाद एक क्रिएटर से मेरी बात होती है, वो मुझे बताते हैं कि उनका पोर्टफोलियो जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो 225% प्रॉफिट पे है। फिर मैं पीछे देखता हूँ अपने स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो को, मैंने कहा ये 225% तो इसमें भी नहीं है यार, तो बहुत छोटा मोटा चल रहा है। स्टॉक मार्केट में बहुत मतलब 2 साल से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं करते करते, और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट 225% प्रॉफिट नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये लालच आ रहा है मुझे बढ़िया एकदम, देखते हैं। तो मैंने सोचा करेंगे। थोड़े दिनों बाद एक और क्रिएटर से मेरी बात होती है, वो बताते हैं कि उन्होंने डॉज कॉइन 2 रुपये पे लिया था और उसको बेचा है 20 रुपये से ऊपर में। अब आप बोलेंगे यार वो तो 50 के ऊपर गया था, 50 के ऊपर बेचते, बट उन्होंने 20 के ऊपर बेचा, प्रॉफिट तब भी होना यार। तो यहाँ से मेरे को लालच आया कि हाँ पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेडिंग के लिए अकाउंट बनाता हूँ कि हाँ भाई क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। और मन में एक चीज़ आई कि देखो यार ज्ञान क्रिप्टो करेंसी का नहीं है मेरे पास, ठीक है, और बहुत कम टाइम में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पर मुझे एक बार करके देखें, मुझे एक्सपीरियंस जरूर लेना है। तो एक अमाउंट मैंने डिसाइड किया, इस अमाउंट को मैं इसमें डालूंगा 10,000 रुपये, जिसका अगर 0 भी हो जाए, यानी 10,000 रुपये कल डूब भी जाए, 0 हो जाए, तो मुझे दुख ना हो। अगर मुझे 10,000 में दुख हो रहा है तो 10,000 रहने दे और 5,000 लेके घुस जा। अगर 5,000 में दुख हो रहा है तो 5,000 रहने दे, 2,500 लेके घुस जा। इसमें दुख हो रहा है तो 1,000 रुपये लेके घुस जा। ये माइंडसेट में लेके गया, 10,000 मैंने अमाउंट सेट किया, हर महीने 10,000 रुपये डालता जाऊंगा और देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस आती है। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सोचा कि 10,000 में से जो 25% अमाउंट है उसको बहुत रिस्की खेलेंगे, बिल्कुल इलॉजिकल तुक्के की तरह, और 75% अमाउंट खेलेंगे सेफ चीज़ों के अंदर, कि जो बहुत स्टेबल हो चुकी हैं बिटकॉइन के टाइम। अप्रैल की बात कर रहा हूँ, उस टाइम बिटकॉइन स्टेबल था, इलॉन मस्क ने कुछ नहीं किया था उस टाइम पे। ठीक है, तो 22 अप्रैल 2021 को मैंने मन बनाया कि भाई चलो शुरू करते हैं, अकाउंट बनाता हूँ मैं और मैं उसमें डालता हूँ 10,000 रुपये, लो खटाक से 10,000 रुपये डाले और स्टार्ट करते हैं। अब आपको दिखाता हूँ मैं ऐप, प्रमोशन नहीं करेंगे, डरिए मत, कोई प्रमोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐप जो मैं यूज़ कर रहा था वो था वज़ीर एक्स, एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐप है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है इसके साथ, एक बार मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था और मैंने इसको खोलने की कोशिश की, खुला ही नहीं और फिर वो प्रॉफिट चला गया। तो मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए, मत करना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री अपनी यार, सबसे पहले चलते हैं सबसे नीचे। आप देख सकते हो सबसे पहले 5,000 रुपये, यानी 50% ऑफ अमाउंट बिटकॉइन में डाल दिया, जो कि मुझे उस टाइम पर बहुत स्टेबल लग रहा था। मुझे लगा कि ETH यानी इथेरियम और BTC बिटकॉइन ये स्टेबल हैं, भाई यहाँ पैसे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टेबल वाली सेफ गेम चलेगी यहाँ पे। तो 50% यहाँ डाल दिया, 25% मुझे बहुत रिस्की खेलना था, मुझे दिखा डॉज कॉइन, उसकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इलॉन मस्क हमारे लगे हुए थे टू द मून करके। तो मैंने कहा ये इलॉजिकल गेम है, मीम के ऊपर सब कुछ चल रहा है, तो ऐसा करो यहाँ पैसे डाल दो और ये भूल जाओ। तो मैंने इसमें अराउंड 2600 रुपये डाल दिए, 100 यूनिट मैंने डॉज कॉइन की ले ली और संभाल के रख ली। ऐसे सेम ETC इथेरियम क्लासिक के अंदर मैं 2600 रुपये डाले, 0.93 यूनिट मुझे मिली, वो मैंने रख ली। अब मैंने आपको बताया कि मुझे 10,000 रुपये डालना भूल जाना था, जो कि मैं असलियत में भूल गया। वाओ, कुछ दिनों बाद लोगों ने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये क्रिप्टो करेंसी के चार्ट डालने शुरू कर दिए, जो मैं देखता हूँ मुझे आता है मैंने इसे कुछ किया तो था यार, अच्छा हाँ मेरे पैसे भी तो पड़े हुए हैं। फिर मैं जाता हूँ 5 मई को अपना ऐप खोलता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ डॉज कॉइन का प्राइस 53 हुआ पड़ा, जो कि मैंने 2600 रुपये में लिया था, मेरे पैसे डबल हो गए कितने दिन में, 8 और 5, 13 दिन में मेरे पैसे डबल हो गए यार। मैं कहा वाओ मजा आ गया, बट मैंने ली 100 ही यूनिट थी, ऐसा कुछ करोड़पति नहीं बन गया, 100 यूनिट ली, पैसे डबल हो गए। तो मैंने स्ट्रेटजी लगाई कि इसमें से ना जो मेरे प्रिंसिपल अमाउंट है 2600 रुपये वो निकाल लेता हूँ, बाकी सब पड़ा रहेगा, वो चाहे प्रॉफिट हो जाए वो चाहे लॉस हो जाए, मेरा कुछ नहीं जा रहा, वो सब फ्री है मेरे लिए। ठीक है, तो मैंने अपने 2600 रुपये आराम से निकाले, 50 यूनिट बेच दी और बाकी 50 यूनिट पड़ी रहने दी। थोड़े दिनों बाद लालच आता है, दिखाते हैं आपको।
थोड़े दिनों बाद लालच आता है 9 मई को। मैं कहता हूँ यार और बढ़ सकता है, पहले 53 बेच चुका हूँ मैं, अब 40 हो चुका है, 40 से मैंने 100 और ले लिए कि अब ये फिर दोबारा जब 50 को पड़ जाएगा बेच दूंगा इसको, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो 32 पे आ गया। मैंने कहा इससे पहले कि और नीचे जाए इसको बेचो, तो 150 यूनिट मैंने ऑन द स्पॉट बेच दी। जो 350% प्रॉफिट है वो डॉज कॉन के साथ नहीं है, उसकी कहानी अब शुरू होगी। अब क्या होता है, तुमने पहले दिन ETC क्लासिक में 2600 रुपये डाले थे, 25% अमाउंट डाला था, यहाँ पे 0.93 यूनिट हमें मिली थी, वो मिलती है हमें 2650 रुपये के रेट पर, 2650 के रेट पर। अब मैं थोड़े दिनों बाद जब मैं डॉज कॉइन बेच रहा होता हूँ उस टाइम ही देखता हूँ इसका रेट हुआ पड़ा था 7275। जो चीज़ कुछ दिनों पहले 2600 रुपये की थी वो अब 7000 से ऊपर पहुँच चुकी है। मैं सिंपल, अपना लॉजिक सिंपल है यार, प्रिंसिपल अमाउंट अपना निकाल लिया, बाकी पढ़ा रहने दिया, वो पढ़ा हुआ है। थोड़े दिनों बाद देखता हूँ यार तो 11000 से ऊपर चला गया। अगर हम बात करें 7 मई, थोड़े मतलब अगले ही दिन वो 11000 से ऊपर चला जाता है। मैं कहता हूँ बहुत पैसा कमा लिया, इसको भी निकाल लो। तो मैंने वो सारे पैसे भी निकाल लिए इथेरियम क्लासिक से। तो वो लिया था मैंने 2650 रुपये के रेट पर, वो बेचा मैंने 11610 रुपये के रेट पर। यहाँ पर मेरा प्रॉफिट होता है 350%। मैथ अगर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये मेरी गेम थी यार 350% प्रॉफिट की। ऐसा कुछ मैंने खतरनाक, मैंने कोई लॉजिक नहीं लगाया, तुक्का, यू कैन कॉल इट तुक्का। मैं एक्सपीरियंस लेने आया था कि क्या है यार, ट्राई करते हैं, तुक्के तुक्के में चीज़ें हो जाती हैं। तो अब जब तुक्के में चीज़ें हो जाती हैं तो लालच बढ़ जाता है, पर मैंने लालच नहीं बढ़ाया, मैंने अपना लॉजिक बना रखा था भाई मुझे 10000 पर मंथ डालने हैं, बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया, तो मैंने कहा अगले जो 2-3 महीने के 10000 रुपये हैं वो मैं आज ही डाल लेता हूँ। तो अगर मैं आपको अपना फंड दिखाऊँ जहाँ डिपॉजिट है, तो आप देख सकते हो 6 तारीख को मैंने 10000 रुपये डाले, जो कि लॉजिकल है हर महीने 10000 डालने थे, पर प्रॉफिट इतना हो चुका है लड़के को, लड़के ने 7 तारीख को भी 10000 डाल दिए, लड़के ने 7 तारीख को फिर दोबारा एक और बार 11000 डाल दिए, यानी मतलब 2 दिन के अंदर 30000 रुपये से ज़्यादा पैसे मैं डिपॉजिट कर चुका था। तो ये कहानी थी डिपॉजिट की। अगर मैं बात करूँ करंट पोर्टफोलियो की, तो आप देख सकते हैं अभी कुछ ऐसा खास नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी अराउंड 42,000 रुपीज़ की हो चुकी है, और मेरे करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू अराउंड 29,596 आ रही है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अभी मेरे पैसे USDT में है, मैटिक में है, BTC, बिटकॉइन मत बोलो, दुख होता है, ये इलॉन मस्क भैया हमारे कुछ भी कर देते हैं यार, इथेरियम क्लासिक। तो ये गेम है यार, सिखाना क्या चाहता हूँ आपको मैं इस वीडियो से दिखाना चाहता हूँ कि भाई जोश में पागल नहीं होना है, आराम से पहले सीख लो उसके बाद आ जाओ, और आ रहे हो तो इतना 1-2 रुपये छोटा छोटा अमाउंट लेके आओ, मतलब लिटरली 1-2 रुपये नहीं, छोटा अमाउंट 200, 300, 400, 500 ऐसे लेके आओ, हीरो बन के सीधा 1,00,000 रुपये फेंक के नहीं मारने, आराम से खेलेंगे। ठीक है, मौके मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, बहुत सारे पैसे आप कमा पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, आज नहीं तो कल कमा लेंगे, आराम से आना है, सीख लो फिर करेंगे आराम से। ठीक है, तो मुझे तो एक्सपीरियंस करना था ताकि मुझे रिग्रेट ना हो कि भाई सब ने कमा लिए डॉज कॉइन से पैसे, मैंने नहीं कमाए। अब मैंने कमा लिए, वो जो लॉस हुआ वो इलॉन मस्क भैया ने कराया मेरा, मैंने नहीं कराया, वो डॉज कॉइन वैसे प्रॉफिट पर उन्होंने किया था, बट चलो ठीक है, एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर दिया, आपको बता दें प्रॉफिट कैसे हुआ, लॉस कैसे हुआ। और अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी तो कमेंट सेक्शन बता देना, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम वो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे बहुत मजा आया इसमें, आप बताना आपको कैसा लगा। और अब मैं रिग्रेट तो नहीं करूंगा एटलीस्ट कि यार क्रिप्टो करेंसी में मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने किया भाई, मैं लॉस खा के आया हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। दस मिनट से ऊपर की वीडियो बन गई फिर दोबारा।